गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू लैंडमार्क स्कूल। आज हम स्टार्ट करते हैं आरबीएसई 10th के अंदर चैप्टर फर्स्ट है हमारे वैदिक मैथ्स, उसके अंदर हम आज सीखेंगे डिवाइड बाय निखिलम मेथड। वैसे डिवाइड करने के तीन स्टेप होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं, एक तो डिवाइड बाय निखिलम मेथड होता है, एक सूत्र पारावर्ती होता है और एक जान होता है। तो सबसे पहले हम निखिलम मेथड से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 1245 इज डिवाइड बाय 97, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जो हम जानते हैं, और 97 एज ए डिविजर। तो डिविजर हमको दे रखा है यहाँ पर 97, और डिविजर के अकॉर्डिंग इसके अंदर डिसाइड करना होता है हमको बेस। तो जो बेस होते हैं वो 10 के मल्टीपल्स होते हैं, तो बेस डिसाइड होता है ऑलवेज 10 बेस होता है, 100 बेस होता है और हमारे 1000 बेस। तो हम ये देखते हैं कि 97 किसके नियरेस्ट है, तो 97 100 के नियरेस्ट है, तो हम बेस डिसाइड करेंगे इसके लिए 100, और फिर निखिलम मेथड के अंदर निकाला जाएगा डेविएशन। निखिलम मेथड के अंदर जो डेविएशन होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। अगर आपके पास बेस ग्रेटर है तो बेस में से डिविजर माइनस कर दीजिए, और अगर डिविजर ग्रेटर है तो डिविजर में से बेस माइनस कर देना चाहिए। ऑलमोस्ट इसमें ये होता है कि डिविजर और बेस का जो भी डिफरेंस होता है वो हमारे डेविएशन होता है। तो हम बेस और जो डिविजर है यानी कि 100 माइनस 97, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पर हमको लिखना कंपलसरी है 03, बिकॉज बेस के अंदर दो जीरो है तो डेविएशन के अंदर जो डिजिट होते हैं उनके अंदर भी दो डिजिट होना चाहिए। वैसे हमको आंसर मिलना चाहिए 3, बट यहाँ पर 3 एक सिंगल डिजिट है और हमको डिजिट चाहिए 2। 2 डिजिट इसलिए चाहिए क्योंकि बेस में 2 जीरो है तो हम आगे जीरो लगा देते हैं, तो हमको डेविएशन मिलता है 03। फिर हम फॉर्मेट बनाते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है निखिलम का। सबसे पहले जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी डिविजन 97 यहाँ पर आता है, फिर बेस के अंदर जितने जीरो होते हैं, बेस के अंदर 2 जीरो है तो डिविडेंड के जो 2 डिजिट है यानी कि 1s और 10s वो पीछे लास्ट ग्रुप के अंदर और मिडिल ग्रुप के अंदर जो रिमेनिंग है 12। फिर जो डेविएशन है उसको लिख दो यहां पर, फर्स्ट डिजिट एज इट इज ड्रॉ, फिर जो 1 है उसको सभी डेविएशन के जितने भी डिजिट्स है उनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी कि इसको हमने सारे डेविएशन के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रोसेस स्टॉप करना है, 2 एंड 0 2 सेकंड रो हमने सॉल्व की, फिर सेकंड रो का जो भी आंसर मिला है उसको फिर से डेविएशन से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 देन आंसर इज 6। फिर हम कंप्लीट एंड डिजिट तक पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब हम रोज को सॉल्व करेंगे, 4 एंड 3 7, 7 एंड 0 7, 5 एंड 6 11, 1 को के नीचे 1 डिजिट नहीं होना चाहिए जैसे कि रो सॉल्व होती है तो नीचे सिंगल डिजिट मिलने चाहिए बट यहाँ पर हमको डबल डिजिट मिल चुका है तो 1 एज इट इज और ये जो 1 है ये रिमेनिंग आगे आएगा तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा देन 7 एंड 1 8 एंड 1 एज इट इज मिडिल पार्ट को बोला जाता है क्वेश्चन पार्ट और जो नेक्स्ट आगे वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर पार्ट। बट ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो हमारा डिविजर है उससे रिमाइंडर क्या होना चाहिए, छोटा। बाकी हम सब जानते हैं, जैसे कि हम 97 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और हमको रिमाइंडर मिल जाता है सपोज 100, तो इट मीन ओवर डिवाइड होगा, यानी कि हमको जो भी रिमाइंडर मिलता है वो डिविजर से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। थैंक यू।